नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बात उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक परिवार का हिंदू होना ही गुनाह हो चुका है। इस परिवार को धर्म बदलने के लिए धमकाया गया। न मानने पर कट्टरपंथियों ने परिवार का जीना मुश्किल कर दिया। ये पीड़ित परिवार हमारे साथ जुड़ेगा। ये पीड़ित परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है। हम आपको बता दें कि धर्मांतरण की धमकी के पीछे कौन है, ये हम इस पीड़ित परिवार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ना सब्जी, दूध, पानी, मुझे जरूरत की कोई भी चीज ना मिले तो हमें देख देख के गालियां भी देती हैं और कहते हैं यहाँ से इनको भगा दो, इनको रहने ना देंगे यहाँ। पहले फतवा जारी किया, फिर समाज में हुक्का पानी बंद, घर जलाने तक की धमकी दी। बरेली के परसोना गांव से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कट्टरपंथियों ने गांव में रह रहे एकमात्र हिंदू परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, जिसकी शर्त नहीं मानने पर पूरा परिवार अब उसकी कीमत चुका रहा है। घर से बाहर निकलना मुश्किल है, बच्चों के लिए दूध और दवा का भी इंतजाम करना चुनौती बन गया है। पड़ोसियों ने इस कदर मुंह फेर लिया कि अनाज और सब्जियां खरीदने से भी नहीं मिल रही हैं। दिल में इतना खौफ है कि सालों से जिनके साथ रहे, अब उन्हीं के बीच आज बेगाने से हो गए हैं। पहले तो मेरी माँ बहन को मारा और पेप्सी के विवाद पे उसको पैसे भी उनके लड़के को वापस कर रही, फिर भी उनने गाली गलौज और मारपीट उनने बंद ना करी। फिर हमारे चौकी से चौकी इंचार्ज ने दोनों पार्टियों को बुला के उन फैसला भी करा दिया, तहरीर रख दी। उसके बाद में इन लोगों ने दुकानें फुकाने खोली। दुकानें खोलने के बाद में दबाव डालते रहे, ग्राहकों को मना करा। ना सब्जी, दूध, पानी, मुझे ज़रूरत की कोई भी चीज़ ना मिल रही। मेरी दुकानों से कुछ ग्राहक भी बंद कर दिए गए। आरोप है कि दबंग आए दिन इस्लाम धर्म कबूलने का दबाव बनाते हैं। हमारे लिए जब हम भूखे प्यासे मरेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा कोई है ही तो भी ना है। हाँ, पूरा गांव एक हो गया है, समझ लो। निकल के अगर हम खड़े हो रहे हैं गेट से बाहर तो हमें देख देख के गालियां भी देती हैं और कहते हैं यहाँ से इनको भगा दो, इनको रहने ना देंगे यहाँ पर ही। हम कचरा है ये, तो इनका काम क्या होएगा यहाँ पे। डर के साए में जीने को मजबूर परिवार के लिए जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो बेमन ही गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। जैसे ही हिंदू संगठनों को इस खबर की भनक लगी, उन्होंने पीड़ित परिवार से संपर्क साधा, महापंचायत बुलाई गई। बाद में मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। ग्राम परसोना टीपी नगर चौकी हमारी भीतरी चैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में लगती है। यहाँ के एक वादी हैं इकराम सिंह सनफ हेमराज सिंह, उन्होंने थाना भीतरी पे एक तहरीर दिया। तहरीर में बताया कि उनके गांव के कुछ लोग हैं जो कि उन्हें परेशान करते हैं, उनके घर पे पत्थर फेंकते हैं और गाली गलौज करते हैं, जाते सुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस संदर्भ में थाना भीतरी के द्वारा तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें IPC की विभिन्न धाराओं के साथ में SC ST एक्ट भी लगा है। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए परसोना गांव के चप्पे चप्पे में जवान तैनात कर दिए गए हैं। ये अकेले बरेली के इस परिवार की कहानी नहीं है, जहां हिंदुओं के साथ धर्म परिवर्तन की साजिश रची जा रही है। राजस्थान और हरियाणा के मेवात में भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई थी। UP में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून आने के बाद लोग खुलकर अपनी बातें रखने लगे हैं और योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के बरेली में, इस रिपोर्ट को देखकर आपको एहसास हो चुका होगा। हमारे साथ इकराम सिंह हैं, आप पीड़ित हैं। साथ ही साथ इकराम सिंह की पत्नी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनीता। इकराम सिंह जी, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम बड़े अफसर और मंत्री इस वक्त आपको सुन रहे होंगे। कहाँ का ये पूरा मामला है सर, कौन सी तहसील है, थाना कौन सा है और ये कितने वक्त से हो रहा है लगातार? काफी टाइम से परेशान करा जा रहा है और मेरा गांव, मेरा नाम इकराम सिंह है और मेरा गांव परसोना है और थाना बिथी चैनपुर है, जिला बरेली है, तहसील बरेली है। और पहले तो कुछ लोग ऐसे जैसे गाली गलौज या उल्टी सीधी बात करा कर रहे तो वो हमें बर्दाश्त थी, उससे तो कोई मतलब ही ना। और तो उसके बाद में एक बार क्या बोलना है, जैसे मेरे भाई को, मेरे भाई कहीं नौकरी कर दिया तो उसको क्या, अरे मुसलमान हिंदू को नौकरी को रख रहे हो, मुसलमान को रखो नौकरी पे, जैसे ऐसे प्राइवेट ऐसे गांव में कर रहा है।
इस तरीके से हम जैसे काम के लिए मना करा कर रहे हैं और जैसे अब जैसे बाद में सिगरेट वगैरह लिया कर रहे हैं, जो कुछ लोग तो हम मम्मी की दुकान पैसे तो उनकी सिगरेट लेके उन मम्मी के मुंह पे धुआं मारा कर रहे हैं और उनको दो चार बातें सुनाई की जाया कर रहे हैं, जैसे तुम लोकल व्यक्ति तो समझ में नहीं आता है तो मम्मी डर के मारे कुछ ना कहा कर रहे हैं, जैसे की कुछ बात ना बोले बोले ये कह दिया कर रहे हैं, बच्चे जैसे लिया हुआ वैसे बेच रहे हैं। अनिता जी, क्या आपको भी परेशान किया जाता है, क्या आपके साथ भी बदतमीजी होती है और क्या उन लोगों को आप जानती हैं, पहचानती हैं जो आपसे बदतमीजी करते हैं, आप पर दबाव डालते हैं कि आप इस गांव को छोड़ दीजिए चूंकि आप हिंदू हैं? जानते हैं, बहुत परेशान करा करे इसलिए छोड़ने पर हो, जो सामने वाला डीआईजी है तो बहुत परेशान करा करे मुँह को, इसका लड़का है वो बहुत परेशान करा करे, दूध पानी सब्जी सब कदई इतनी परेशानी हुई, कुछ खा ही ना दवाई ना अनिता जी, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलमणि त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, आप सुन रहे हैं, ये बरेली की घटना है, इकराम सिंह और उनकी पत्नी अनिता अपना दर्द यहाँ पर साझा कर रही है, जिनको धर्म बदलने के लिए धमकाया जा रहा है और ना मानने पर परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ाई जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपको साधुवाद कि आप घटना को लेकर सामने आए और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले लोग, जबरिया डरा धमका कर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित कराने वाले लोग, इस तरह के लोगों के खिलाफ माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जो एक कानून आया है धर्मांतरण को लेकर, उस पर भी बहुत सख्ती से कार्य हो रहा है। इस विषय पर मैं इतना कहूंगा कि यह पूरा प्रकरण गंभीर है, इस पूरे प्रकरण की जिला प्रशासन से इसकी रिपोर्ट मंगाकर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई कराई जाएगी। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को आजादी है कि वो अपने धर्म के मुताबिक, अपनी मान्यताओं के मुताबिक, अपनी धार्मिक परंपराओं के मुताबिक रह सके। और ऐसे में कोई अगर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करता है, जबरदस्ती करता है, तो जो कड़ी से कड़ी धाराएं लग सकती हैं, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, वो कार्रवाई खिलाफ की जाएगी। लेकिन शलभ जी, मैं पीड़ित परिवार से आपकी बात भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले सर, वो कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरीके से दबाव बनाए एक शख्स पर, उसके धर्म को बदलने के लिए, उसके गांव को छोड़ने के लिए, उन पर कार्रवाई, और वो कार्रवाई करने वाला जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो अब तक शांत क्यों? क्या ये रॉकेट साइंस है कि अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने थाने में क्या कुछ हो रहा है ये थाना अधिकारी से लेकर एसएसपी को पता ही नहीं है? नहीं, मैंने कहा ना कि इसीलिए जिला प्रशासन से इसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी, क्या तथ्य है पूरी घटना का, कैसे क्या हुआ है। आप जो बात बता रहे हैं गंभीर है, अगर ये बात जैसे कि प्रकाश में आ रही है तो, और इसीलिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट मंगाकर, और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो जो जिन्होंने लापरवाही की हो या जानबूझ के अवहेलना की हो, वो भी जांच के दायरे में आएंगे। और जो लोग डरा धमका कर या दबाव बनाकर धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इकराम सिंह जी, सुना आपने, देखिए शलभमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर हैं, जो भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको इंसाफ मिलेगा, अपना दर्द कुछ आप साझा करना चाहें शलभमणि त्रिपाठी के साथ तो बता सकते हैं, सुन रहे हैं वो इस वक्त आपको? दर्द है, हमको दिक्कत है, जैसे यहाँ पर हमारा ये तीन भाई हैं, यहाँ पे हमको परेशानी ज्यादा है, तो क्या बोले, हमारे एक तो जान माल का खतरा है वहाँ पे, यहाँ पे ऊपर से क्या बोले, हमें कोई सुविधा ना आए, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत ज्यादा है, और इसलिए हम कह रहे हैं हमें सहूलियत मिले, आराम मिले, हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे जो घर से बाहर हैं वो भी घर आ जाएं, और जो कोई परेशान ना करे, छेड़ा छाड़ी वगैरह इस तरीके से परेशानी ना आवे हमें। देखिए विक्रम जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस काम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह के लोगों के खिलाफ ये घटना हम सबके प्रकाश में आई है, और आप निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी मदद होगी, पूरी सहायता होगी, इस पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे, तथ्य उसके सामने लाए जाएंगे, और जो लोग भी जिन पे आप कह रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पे कड़ी कार्रवाई होगी और आपकी पूरी सहायता होगी। इकराम जी, आप बता सकते हैं कि आपके उस गाँव में कितने हिंदू परिवार हैं, और क्या कोई एक खास तबका है जो आपको परेशान करता है, एक परिवार है जो आपको परेशान करता है, या पूरा गाँव
जो आपके धर्म का नहीं है वो पूरा गांव आपको चिन्हित करता है, परेशान करता है। देखो मेरा गांव तो मेरा घर तो अकेला है मुंडल क्षेत्र में, इतना मेरे तीन भाई हैं, मेरा एक ही घर है जी। जिस घर में मैं अकेला, मैं और मेरा भाई रहा है, मेरी माँ रहा है, मेरी बीवी रहा है, मगर यहाँ पे परेशान मुझे ज्यादातर जैसे जो प्रधान घराने के हैं, प्रधान के मामा हैं, प्रधान के बहनोई हैं, प्रधान है, इन लोगों से ज्यादा परेशानी हो रही है। और हमें परेशानी का सबक जी बने हुए हैं, हर तरीके से दबाना सताना, कोई सुविधा हमें सरकारी सुविधा तक ना मिल रही है, जिसके तो हकदार हैं हम। शलभ जी, नहीं मैंने कहा निश्चित तौर पर ये गंभीर तथ्य हैं, जैसा कि ग्राम जी बता रहे हैं, और इसकी पूरी सहायता होगी। ये भले ही अकेले रहते हैं, धार्मिक तौर पर इनको लगता है कि वहाँ पर ये अकेले हैं, बाकी लोग दूसरे धर्म के हैं, तो उसमें कतई डरने कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और हम हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं, जिसने भी गलत करने का प्रयास किया या जो भी गलत कर रहा है उसको उसकी करतूत का सामना करना पड़ेगा, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर आप जब आपसे वार्ता मेरी समाप्त होगी, मैं पूरी घटना की जांच करा के जो भी रिपोर्ट है उसको मंगाकर उसके आधार पर जो भी सख्त सख्त कार्रवाई हो सकती है वो भी सुनिश्चित कराई जाएगी, और आपकी जो सहायता हो सकती है वह सहायता भी कराई जाएगी। इकराम सिंह जी, आप इस वक्त शलभमणि त्रिपाठी साहब को सुन रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि ये आवाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से आ रही है और ये आवाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। और जब शलभमणि त्रिपाठी, मीडिया एडवाइजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको भरोसा दिला रहे हैं, तो आपको कहीं उम्मीद जगती है कि आपको लगता है कि जो अब तक आपके साथ नहीं हो पाया वो अब आपके साथ होगा, आपको इंसाफ मिलेगा? उम्मीद कर रहे हैं आपको सही मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो हमें धोखा ही मिला है, पुलिस से, थाने से, हर जगह से हमें कोई सहायता ना मिली, सब में शिकायत करी हमने, कहीं से हमें मदद ना मिली। शलभ जी, आपकी बातों पर भरोसा तो है उनको, लेकिन दर्द भी है। वो कह रहे हैं कि देखिए थाने से लेकर हर जगह हम गए, अब तक हमें इंसाफ नहीं मिला, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर उनको भरोसा रखना चाहिए, उनकी मदद होगी, और जो थाना है, जो स्थानीय थाना है, उसकी भूमिका की भी उसको दिखाया जाएगा, तो उसकी भूमिका कहाँ गड़बड़ रही है, जैसा कि ये बता रहे हैं, उनको मदद नहीं मिली है, तो निश्चित तौर पर इस पूरी घटना की रिपोर्ट वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मंगाई जाएगी और उनकी पूरी सहायता कराई जाएगी। अनिता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर आपको सुन रहे हैं, वो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं? हमारे घर में तो लैटरीन ना है, जो सरकार कोई योजना ना मिले हमारे, तो हम तो वैसे ही परेशान है। प्रजा छोड़ने की इरादा कर लिया है, गांव में छोड़ने की इरादा कर लिया है मैंने, कोई बात की कोई योजना बह ना आएगी, ना कोई सरकारी योजना लेना है, कोई कोई बात की बना है। शलभ जी, जो बात मैं अनिता जी की समझ पा रहा हूँ, वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ भी इन तक नहीं पहुँच पा रहा है, तब जबकि इनको लाभार्थी होना चाहिए। बिल्कुल पहुंचेगा। मैंने आपको साधुवाद इसी बात के लिए दिया कि आप हमारे संज्ञान में लेकर आए हैं, और निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण को, इसकी जांच कराई जाएगी। मैंने कहा कि कार्रवाई भी होगी जिन्होंने इनको परेशान किया है, और इनकी सहायता भी होगी जिन सहायता का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जहां तक संभव होगा इनकी मदद कराई जाएगी। इकराम जी, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सके, क्या उन लोगों के नाम आपको पता है जो आपको परेशान करते हैं, आपकी पत्नी को परेशान करते हैं, जो धर्मांतरण का, गाँव छोड़ने का आप पर दबाव बनाते हैं? जी, प्रधान घराने के हैं, और इनके जो कुछ लोग जो डीआईजी अकीलुद्दीन है, जो अपने दरवाजे पे खड़ा कर रहे हैं लड़कों को, बहुत फिर हमारी गली में घूमते रहा है, तो वे लोग दिक्कत कर रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे बाहर ना निकल सकते, बीबी बच्चे बाहर कहीं दिक्कत, जैसे दूसरे घर में लैट्रीन के लिए ना जा सकती, किस तरीके से परेशानी है हम तो। और शलभ जी, बहुत संक्षेप में आखिर मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहूंगा, इकराम सिंह ने हिम्मत जुटाई है, न्यूज नेशन एक मंच बना है, उन्होंने आकर अपने दर्द को साझा किया है, क्या वाकई उनको इंसाफ मिलने जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि टीवी पर आने के बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाए इकराम सिंह की? देखिए, मैंने कहा है कि इनकी पूरी बात सुनी है, अभी जो आपने तमाम कारण के मुद्दे उठाए हैं, इनसे वार्ता जो हुई है, इन पूरे मुद्दों को लेकर, इनकी सारी बातों को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट मंगाई जाएगी, और तथ्यों के आधार पर जो भी संभव कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई कराई जाएगी। इनकी सहायता की जहां तक बात है, सहायता इनकी कराई जाएगी, जो सरकारी योजना है उनका लाभ इनको मिलना चाहिए, वो लाभ इनको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शलभमणि त्रिपाठी साहब न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिता जी, उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा, आपको अपना धर्म बदलना नहीं पड़ेगा, आपको अपना गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज नेशन ने आज इस मुद्दे को उठाया है। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ।